वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके कुछ मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके ऊपर आप पानी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके आग को किस तरह से बुझाया जाता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम आज फायर फाइटिंग फोम्स के बारे में चर्चा करते हैं। फायर फाइटिंग फोम्स होते क्या है, ये किस तरह से आग को बुझाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी की जो डेंसिटी है ऑयल लिक्विड फ्यूल से ज़्यादा होती है, इसके लिए हमको पानी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, पानी की डेंसिटी को हमको कम करना पड़ेगा। आप पानी की डेंसिटी को किस तरह से कम कर सकते हैं, हम पानी में कुछ फोम कॉन्सेंट्रेट डाल देंगे, जिसको हम बोलते हैं कि सोप सॉल्यूशंस हम डाल देंगे, और कुछ एयरेटिंग डिवाइस की मदद से हम उसमें एयर को इंड्यूस कर देंगे। मतलब पानी में हम एयर इंड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी। फोम सेम चीज़ है, आप पानी होता है, फोम में क्या होता है कि 97% पानी होता है, उसमें 3-4% फोम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और एयरेटिंग डिवाइस की मदद से आप उसमें एयर इंड्यूस कर देते हो। तो जब एयर इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है, पानी की जो डेंसिटी है लिक्विड ऑयल लिक्विड फ्यूल की डेंसिटी से कम हो जाती है, और वो एक सरफेस पे तैरना स्टार्ट कर देता है। जब हम आप फोम का अप्लाई करते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई कटअप कर देता है और आग को बुझा देता है। एक अच्छे फोम की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले उसका बर्नबैक रेजिस्टेंस, मतलब जब हम फोम को आग के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कितनी देर में वो ब्रेक होता है और आग को आग फिर से रिग्नाइट होती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बर्नबैक रेजिस्टेंस। फिर फोम का स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, जब हम फोम को अप्लाई करते हैं तो कितने जल्दी वो स्प्रेड होता है ऑयल सरफेस के ऊपर, कितने जल्दी स्प्रेड होता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। जिसका स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो उतने जल्दी आग के ऊपर फैलेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है उस फोम की, ड्राई केमिकल पाउडर के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी। फोम जो है ड्राई केमिकल पाउडर के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए। जब फोम के साथ में अगर हम ड्राई केमिकल पाउडर को अप्लाई करते हैं तो उसमें फोम को नुकसान नहीं होना चाहिए, फोम इंटैक्ट रहना चाहिए। तीसरा जो है सी वाटर कंपेटिबिलिटी, हम कई तरह से पानी फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर है, सी वाटर है, लेकिन ये सभी तरह के जो पानी के साथ में एक अच्छा फोम बनाने के लिए काबिल होना चाहिए। उसका एक्सपेंशन रेशियो एक जब है हम उसको यूज़ करते हैं या फोम एयर ब्रांचेस के थ्रू हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सपेंशन जो है अच्छा होना चाहिए। उसका ड्रेनेज टाइम 25% ड्रेनेज टाइम, कितनी देर में फोम ड्रेन होता है, 25% ड्रेन होता है, वो एक उसकी प्रॉपर्टी है। जनरली 2.5 मिनट का इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है कि 2.5 मिनट्स में 25% अगर ड्रेन होता है तो एक अच्छा टाइप के फोम होते हैं। फोम जनरली दो टाइप के होते हैं, एक केमिकल फोम और दूसरा मैकेनिकल फोम। केमिकल फोम में एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इनको रिएक्ट करा के केमिकल फोम को बनाया जाता है। ये 1902 में अलेक्जेंडर लोरेन नाम के एक रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट किया था। आजकल केमिकल फोम फेज आउट हो गए हैं, जनरली इनका यूज़ अभी नहीं होता है। दूसरे मैकेनिकल फोम कई होते हैं, इनको जनरली दो कैटेगरी हम बांट सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सबसे पहले हम प्रोटीन फोम के बारे में जानते हैं। प्रोटीन फोम नेचुरल रिसोर्सेज से उसको डिराइव किया जाता है, जैसे कि हुप एंड हॉर्न मिल, फिदर मिल, इनका लाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और जो हाइड्रोलिसेट बनता है उसको न्यूट्रलाइज करके उसमें फोम स्टेबिलाइज़र और एंटी कोरोजन जो एजेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है। ये जो प्रोटीन फोम का जो बर्नबैक रेजिस्टेंस है या हीट स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनका जो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है, जिनकी जो मोबिलिटी है ऑयल सरफेस के ऊपर, वो कम होती है। इसलिए ये मतलब इनकी जो नॉकडाउन टाइम जो है वो कम होता है। दूसरा है फ्लोरोप्रोटीन फोम, ये
नेचुरल रिसोर्सेस ही, जैसे कि प्रोटीन फोम ही होता है, लेकिन इसमें कुछ फ्लोरोकेमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका जो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है वो बढ़ जाता है और ये ऑयल सरफेस के ऊपर अच्छे से फैलता है और इसकी जो नॉकडाउन या मतलब आग को बुझाने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। उसी तरह से तीसरा जो है एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम, जिसे हम AFFF बोलते हैं, ये फ्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोकार्बन सर्फेक्टेंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और वाटर का एक मिक्सचर होता है। ये जब इसको जब हम अप्लाई करते हैं ऑयल सरफेस के ऊपर तो ये सबसे पहले एक एक्वियस फिल्म को स्प्रेड करता है, उसके बाद में फोम स्प्रेड होता है, लेकिन सबसे पहले एक एक्वियस फिल्म ऑयल सरफेस के ऊपर स्प्रेड होती है, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन का सप्लाई, जो फिल्म है ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देती है, उसके वजह से जो नॉकडाउन टाइम है उसका बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी आग को ये बुझा देता है, फास्ट तरीके से ये आग को बुझा देता है। तीसरा आता है फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरो प्रोटीन फोम, FFP जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रोटीन फोम होता है, लेकिन इसमें जो सर्फेक्टेंट डाले जाते हैं, जो एक्वियस फिल्म में जो हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं वही सर्फेक्टेंट ये फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरो प्रोटीन फोम में यूज़ किए जाते हैं। ये कई जो फ्यूल है उसके ऊपर AFFF की तरह ही एक्वियस फिल्म बना देता है। फिर आता है चौथा जो है अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम। आप अभी तक जो जितने भी हमने फोम के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि प्रोटीन है, फ्लोरोप्रोटीन है, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम है, आप जानते हैं कि जो पानी है अल्कोहल के साथ में सोलूबल है, तो ये जो फोम में जो हम पानी यूज़ करते हैं वो पानी अल्कोहल के साथ में सोलूबल है, इसलिए इन टाइप के जो फोम होते हैं इनको ये जल्दी से तो अल्कोहल जो है तोड़ देते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फोम आता है जिसको बोलते हैं अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम। ये फोम जो पुराने तरीके जो अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम होते थे उनमें प्रोटीन फोम के साथ में कुछ सोप मेटल्स या जो वाटर रिपेलेंट है उसमें ऐड किए जाते थे। आजकल पॉलीसेकेराइड, जो नॉन सोलबल पॉलीसेकेराइड जो है वो मिलाए जाते हैं। आजकल के जो अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम है वो AFFF बेस होते हैं, लेकिन इसमें पॉलीसेकेराइड्स मिलाए जाते हैं। ये जब हम फोम आग के ऊपर अप्लाई करते हैं, अल्कोहल की जो फायर है या अल्कोहल सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये एक मेम्ब्रेन बना देता है, पॉलीमर की मेम्ब्रेन बना देता है, जिसके वजह से फोम को टूटने से रोकता है। फिर जो हाई सिंथेटिक डिटर्जेंट जो आते हैं, जो जनरली हाई एक्सपांशन फोम, आपको एक्सपांशन के बेस पे भी हम फोम को क्लासिफाई कर सकते हैं, लो एक्सपांशन फोम, मीडियम एक्सपांशन फोम और हाई एक्सपांशन फोम। लो एक्सपांशन फोम जो है जिनका एक्सपांशन रेशियो जो है 1:1 to 20 तक, मतलब 1:20 के बीच में जिनका एक्सपांशन रेशियो होता है वो लो एक्सपांशन फोम। फिर मीडियम एक्सपांशन फोम जो है जिनका एक्सपांशन रेशियो 20 to 200 तक, और हाई एक्सपांशन फोम 200 to 500 का तक जिनका एक्सपांशन रेशियो होता है वो हाई एक्सपांशन फोम होता है। लो एक्सपांशन फोम जनरली लॉन्ग, मतलब लंबी दूरी से अगर आपको फायर फाइटिंग करनी है तो ये और फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं जो लो एक्सपांशन फोम होते हैं। अगर जैसे मॉनिटर से आपको यूज़ करना है या किसी ब्रांच से यूज़ करना है तो लो एक्सपांशन फोम का यूज़ होता है फायर फाइटिंग के लिए। मीडियम और हाई एक्सपांशन फोम जो है ये किसी चीज़ को फ्लड करना है या किसी चीज़ को वेपर सील करना है तो ये इनके लिए यूज़ होता है। तो ये इसके लिए जो हाई एक्सपो और मीडियम एक्सपांशन जो फोम होते हैं उसके लिए सिंथेटिक डिटर्जेंट आते हैं। ये जनरली नॉन फ्लोरोकेमिकल्स बेस्ड फोम होते हैं। चौथा पांचवा जो आता है हजमैट फोम, जो कुछ केमिकल्स है उसकी जो वेपर सीलिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का फोम आता है, जो अगर कोई केमिकल्स है जो हजार्डस केमिकल है उसका वेपराइजेशन रोकने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही।